5 रुपीज हो गया। क्वेश्चन नंबर वन, टू निम्न रुपीज दिए का गए शब्दों दो में से पॉइंट जानवर के नाम टू वाला रुपीज शब्द का दो चुनिए। पॉइंट हो गया, इसमें से तो दो जानवर प्लस के दो नाम वाला कितने हो गए शब्द हमारे कौन पास, सा है? फाइव प्लस फोर कौ, इसका टू, भालू, नाइन रुपीज कौ, हमारे पास है। शलजम, अब अगर गौ, वन वाला हम सेम, लेते हैं, थ्री गौ, रुपीज ऑफ टू तोता। पॉइंट, 3 रुपीज की दो करेक्ट पॉइंट अगर आंसर हम हो लेते सकता है हैं यहाँ पर तो कितना हो ऑप्शन रहा है, गौ। थ्री मान प्लस थ्री लो यानी एक नाइन जानवर प्लस होता है सिक्स इक्वल टू जबकि फिफ्टीन, शलजम फिफ्टीन सेम रुपीज फलू का है हमें और तोता टॉय अच्छे होते खरीदना हैं। है तो हमें क्या लेना होगा, हाय थ्री गाइस, आई रुपीज एम के टू टू निगम पॉइंट एंड और वेलकम टू माय शायद। चैनल माय पाठशाला क्वेश्चन वन नंबर निगम। एट, आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड्स क्लास फर्स्ट से द हिंदी पाइनएप्पल इज हैवियर सब्जेक्ट देन के एप्पल बाय नाइन ओलंपियाड के यूनिट्स, पाइनएप्पल जो सिलेबस है एंड सैंपल पेपर लेकर आऊंगी। एप्पल के अगर नाइन आपका बच्चा यूनिट्स क्लास ज्यादा फर्स्ट में हैवी है है तो या आप फाइंड द जानना मास ऑफ चाहते हैं कि पाइनएप्पल, तो क्लास फर्स्ट में पाइनएप्पल किस का प्रकार के कितने यूनिट का है। तो ओलंपियाड अब ये में देखिए क्वेश्चंस एप्पल पूछे और जाते ये हैं मेजरमेंट और सेम हो सैंपल रहा है, पेपर क्या होता ये है, सिलेबस पाइनएप्पल क्या है है, और यहाँ पे तो ये ईच वीडियो स्टैंड फॉर आपके वन लिए यूनिट, इसमें इसमें अगर उसके लिए आपका वन बच्चा यूनिट लिया क्लास गया फर्स्ट है में है तो या हम फिर मान लो इसको किसी भी काउंट कर बोर्ड लेते या हैं, जुडिशियल वन बोर्ड टू आई सी थ्री एस सी फोर बोर्ड या फाइव किसी सिक्स भी सेवन, अदर ये सेवन स्टेट बोर्ड यूनिट हो गए तो एक, ऑलमोस्ट और एप्पल जो यानी 7 यूनिट्स स्टेट के की जो बराबर है सिलेबस होते हैं एनसीईआरटी और के जो सिलेबस पाइनएप्पल होते हैं नाइन यूनिट्स के वही बराबर ऑलमोस्ट है सिलेबस ओलंपियाड एग्जाम के भी तो है। पाइनएप्पल का बस मास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने नाइन का प्लस पैटर्न सेवन थोड़ा इक्वल सा टू डिफरेंट हो सिक्सटीन जाता है, यूनिट्स, सो तो करेक्ट सैंपल आंसर पेपर इज में इसके क्वेश्चन के पैटर्न को बी समझें और उस आंसर। प्रकार अपने बच्चों को क्वेश्चन तैयार नंबर करवाएं। नाइन, चलिए हम सिलेबस को द लेकर लेंथ देख ऑफ द लेते बस हैं कि इज कौन कौन से यूनिट। चैप्टर से कितने अब कितने ये देखिए क्वेश्चंस ये आते हैं। जो पहली इकाई है भाषा ज्ञान, से इसमें बना से हुआ भाषा ये क्या थ्री है, यूनिट्स वर्णमाला हैं का और वन ज्ञान, यूनिट्स मात्रा के का लिए ज्ञान, टू शब्द स्टैंड और है। अब वाक्य, यहाँ पे थ्री अनुस्वार पार्ट में और डिवाइड किया गया अनुनासिक का है ज्ञान, इससे छह तो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं थ्री और सभी यूनिट है क्वेश्चन तो के ये पर भी थ्री मार्क्स टू यूनिट पॉइंट रहेंगे फाइव और ये भी टोटल थ्री यूनिट 21 रहेंगे तो क्वेश्चन हो थ्री जाते हैं। थ्री थ्री कितने हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बै नाइन, का, और वन यूनिट के लिए व्याकरण कितने हो रहे हैं व्याकरण स्टैंड्स, बोध, टू इसमें यूनिट तो लिंग का नाइन इंटू ज्ञान, टू संज्ञा इसका वचन टू एटीन सर्वनाम यूनिट, विशेषण कामों के तो नाम विलोम लेंथ ऑफ शब्द बस कितने अनेक हो गए शब्दों के लिए एटीन एक यूनिट, सो शब्द। करेक्ट आंसर इज इन सभी ऑप्शन से 12 बी। क्वेश्चंस रहते हैं, अपर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2.5 टेन, सो टोटल 42 व्हाट नंबर क्वेश्चंस हो इज जाते हैं। टू मोर देन ट्वेंटी नेक्स्ट वन हिंदी प्लस में आपके एलेवन, रेजमिक अगर तार्किक ट्वेंटी वन कंपैरिजन में से हम रिलेटेड एलेवन प्लस क्वेश्चंस करके कहते हैं उससे हिंदी दो में, ज्यादा लेते हैं तो जैसे क्या होता है, गिनती, तो कहानी, टू टू निबंध, वन वन टू टू इससे और तीन वन थ्री क्वेश्चंस में टू रहते अगर हैं हम और मोर पर करते ईच मार्क हैं थ्री तो ये हो गया पॉइंट फाइव हमारा सो टोटल थर्टी फोर, सेवन सो मार्क्स करेक्ट के आंसर इज क्वेश्चंस हो ऑप्शन जाते डी हैं। थर्टी फोर। क्वेश्चन इसी नंबर फील्ड का 11, अ बस स्कॉलर अराइव द बस स्कॉलर स्टैंड जॉन एवरी फाइव सेविंस इसके मिनट्स, क्वेश्चन हाउ मेनी पूछे जाते बसेस हैं, वुड यू हैव अराइव द इसके जो बस स्टैंड ऑफ सिलेबस होते थर्टी हैं मिनट्स। ऑलमोस्ट जो अब आपके इसे सिलेबस ऊपर हमने अभी डिस्कस आप खुद किए सॉल्व करने की कोशिश वही करें, अगर सारे नहीं सिलेबस आया तो आपके प्लीज आप कमेंट में होते हमें हैं लिखकर स्कॉलर बताएं, मैं जॉन इसे में, सॉल्व बस कर आपको उससे बताऊंगी। सिलेबस से क्वेश्चन नंबर रिलेटेड ट्वेल्व डायरेक्ट क्वेश्चन ना एंड पूछना, थर्टीन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इस स्कॉलर जॉन में क्वेश्चन बच्चों से नंबर पूछे ट्वेल्व, जाते हैं। क्वेश्चन आगा नंबर ज्ञान और थर्टीन, व्यापारिक दोनों के सिलेबस को आप वीडियो इंक्लूड को करके उससे पॉज क्वेश्चन करके पूछे इस जाते क्वेश्चन हैं। को पढ़ेंगे और खुद टोटल सॉल्व नंबर करने की ऑफ कोशिश क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चन 25 नंबर रहते हैं फोर्टीन और इस तरह हंड्रेड ये मार्क्स के फोर्टीन क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स टाइम रहेंगे। ड्यूरेशन अब हम देखते हैं 14 मिनट्स रहता है। साइंस तो के चलिए पेपर, आगे अब इसके सेक्शन थ्री में क्वेश्चंस को साइंस हम के पेपर देखते रहेंगे, हैं इसमें भी एक किस क्वेश्चंस प्रकार के के लिए सैंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देखते करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आंसर नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर फाइव टू, मार्क्स अच्छा शब्द का दिए विलोम जाएंगे शब्द क्या रॉन्ग है, आंसर के कौ लिए। बुरा, अब स्टार्ट करते कौ हैं भला क्वेश्चन नंबर कौ फिफ्टीन, भोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ईमानदार, फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन आंसर ए है ऑप्शन वाटर कौ यूज यूज बुरा, फॉर अच्छा क्लीनिंग, और बोला यस द ये वाटर बुरा इज शब्द यूज होगा। बिल्डिंग हाउस, नेक्स्ट यस क्वेश्चन नंबर थ्री, द पत्र वाटर इज लिखना, नॉट यूज भाषा फॉर का रोग है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सांस्कृतिक, रॉन्ग आंसर, लिखित, एंड वॉट इज द गौ, यूज फॉर मौखिक, एरीगेशन, करेक्ट, गौ, सो करेक्ट उपरोक्त आंसर शब्द, इसमें हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाता सी, है इसे ऑप्शन पूछा जा कौ, रहा है। लिखित भाषा पत्र लिखना करेक्ट आंसर भाषा इज का वाटर इज लिखित रोग नॉट है यूज फॉर नंबर इलेक्ट्रिसिटी फोर। प्रोडक्शन। नीचे दिए क्वेश्चन गए नंबर वर्णों में सिक्सटीन, स्वर विच ऑफ द वर्णों को फॉलोइंग चुनिए, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौ ए स्टेटमेंट इज कौ इन तो करेक्ट, गौ ऑप्शन गौ ए और कौ ऑलवेज बाइट योर नेल्स, स्वर बी वर्ण ए हो थ्रो जाते हैं, वेस्ट इन टू स्वर वर्ण वो डस्टबिन, होते हैं जो सी बिना किसी टर्न सहायता ऑफ से द बोले टैप जाते वाटर हैं, वॉशिंग योर जैसे अकथित हैंड्स शब्द जो होते एंड हैं स्वर वर्ण में आ जाते यूज हैं, योर हैंड और कर्सिव कौन कौन जो होते व्हेन हैं अनुस्वार कफ, व्यंजन वर्ण में आ करेक्ट जाते हैं, आंसर इज ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 17, कौ ए। नंबर फाइव, श्री विच राम ऑफ के द पिताजी फॉलोइंग का नाम क्या था, एनिमल नेवर क्वेश्चन क्लोज नंबर है देयर आइज एज दे कौ, डू नॉट विभीषण, लीव कौ, आईलिड्स, राजा ऑप्शन दशरथ, ए कौ, लिजर्ड, रावण, बी ऑल, सी स्नेक, डी कौ, नट। करेक्ट करेक्ट आंसर इज आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन कौ, राजा स्नेक। दशरथ, क्वेश्चन राजा नंबर दशरथ 18, श्री राम जी के यू मस्ट पिता। वॉक ऑन माई, चलिए नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन मी नंबर हम व्हेन यू क्रॉस फाइव द देखेंगे, रोड आई एम क्रॉसिंग, ऑप्शन ए फाइव हो चुका है, रोड बी एंड नंबर ट्रैफिक, सी जेब्रा, डी निम्न दिए गए चिन्हों को करेक्ट आंसर इज ऑप्शन अनुस्वार सी चुनिए, इसमें जेब्रा। से कौन सा शब्द जो क्वेश्चन है नंबर अनुस्वार 19, होता है,
तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन इन द फॉर्म लार्जेस्ट डिसीजन सेंस ऑर्गन आंसर आवर स्क्रीन आई नंबर टंग सेवन। स्किन शुद्ध वाक्यों का एंड चयन कीजिए। आगे करेक्ट आंसर मैं आपको बताना चाहूंगी, स्किन इससे पहले वीडियो में हमने क्लास क्वेश्चन नंबर एंड क्लास सेकेंड के सिल्वर ओलंपियाड के सैंपल पेपर डाल रखे हैं। क्लास फर्स्ट से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई के हमने और पेपर के पेपर सी बैट डाले हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी और उससे आइडिया लें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। द ऑर्डर ऑफ ट्रैफिक लाइट इज ऑप्शन ए रेड ग्रीन एंड येलो, फर्स्ट से एट येलो रेड एंड ग्रीन सी ऑल ऑफ द रेड येलो एंड ग्रीन एंड डी ग्रीन रेड एंड येलो एट तक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेड येलो एंड ग्रीन। आइडेंटिफाई द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। ऑप्शन ए कैबेज, बी ब्रिंजल, सी कैरेट, डी कॉलीफ्लावर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेक्शन फोर शुद्ध वाक्य का चयन रहते हैं। सीता है 2.5 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर एंड 0.50 मार्क्स विल डिटेक्ट फॉर स्कूल जाती है। ऑप्शन ए choose the right word, the pure juice my glass in option b to option c the school into and d none of this next question correct answer is option c into question number 24 pulling choose the most suitable answer please put the into the washing machine option a laundry b vegetables c cups हाथ एंड डी यूटेंसिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लॉन्ड्री। क्वेश्चन नंबर 25 चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। ये तीनों शब्द ऑप्शन ए टॉटले, बी टॉटलर, सी टॉटलर एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टॉटलर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड द मैसेज केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। An igloo, also known as snow house or snow hut, is a type of shelter built of snow, typically formed when the snow is easy to compact. It is a kind of house and skimming lives in. It is made for hug blocks of ice. The entrance of the igloo is a narrow tunnel. Igloo can only be found in the frozen land who lives in an igloo. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 माई ब्रदर एंड सिस्टर आर माई ऑप्शन ए सिब्लिंग्स, बी नाइस, सी कजन एंड डी पालक मिर्च। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिब्लिंग्स। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाई डू सम बेबी एनिमल नीड टू लिव इन देयर मदर्स पाउच। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। दे आर नॉट प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं कि आपको दे हैव नो हेयर एंड मस्ट स्टे वॉन, सी कौन सा पार्ट दे आर अच्छा मीन एंड मस्ट बी केप्ट अलोन एंड डी नॉट ऑफ ये भी हमें बताएं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दे हैव नो हेयर एंड मस्ट स्टे वॉन। तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि क्लास फर्स्ट के लिए टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं और टोटल मार्क्स